हेलो दोस्तों, मैं जसदीप आपका अपना दोस्त और होस्ट JDTECH एक और ने फ्रेश वीडियो में का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और दोस्तों, जो आज की वीडियो है वो दोस्तों आप में से ही बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस के साथ मैंने एक वीडियो बनाई है कि दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि हमें यार बोके मोड चाहिए, पोर्ट्रेट मोड चाहिए, हमें दोस्तों वाइड अपर्चर मोड चाहिए, जो कि दोस्तों आजकल सिर्फ और सिर्फ डुअल कैमरा वाले फ़ोन्स में ही है, या फिर दोस्तों है तो वो मतलब बहुत एक्सपेंसिव फ़ोन्स है जो कि दोस्तों अफोर्डेबल नहीं है। लेकिन दोस्तों आपको मैं बता दूं कि ये जो सारे के सारे पोर्ट्रेट मोड्स होते हैं ये कैमरा के साथ नहीं चलते हैं। बहुत ही दो तीन फ़ोन होंगे जो कि कैमराज में जिसमें पोर्ट्रेट शॉट एक मतलब हार्डवेयर बेस्ड चलता है, ये दोस्तों सॉफ्टवेयर बेस्ड फंक्शन है जो कि दोस्तों सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन की जाती है। दोस्तों आज मैं आपको कुछ तीन ऐसे सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊंगा, यानी तीन ऐसे एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा जिसमें दोस्तों आप बढ़िया से बढ़िया बोके इफेक्ट, पोर्ट्रेट मोड, या फिर दोस्तों आप कह सकते हैं वाइड अपर्चर मोड यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों लास्ट तक बने रहिए हमारे साथ क्योंकि काफ़ी ही कमाल की वीडियो है और काफ़ी आपको मज़ा आने वाला है। दोस्तों जो पहले ऐप का नाम है वो आपके लिए लेके आऊँ जिसका नाम है फेबी। दोस्तों ये पहला ऐप इसलिए क्योंकि दोस्तों इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा बढ़िया एक कस्टमाइजेशन वाला ब्लर मिल जाता है जो कि दोस्तों काफ़ी बढ़िया काम करता है एक सिंगल कैमरे वाले फ़ोन के लिए। तो दोस्तों ये आपको प्ले स्टोर में बड़े ही आराम से मिल जाएगा जिसका दोस्तों आपको कुछ 88 MB के करीब करीब आपको मिल जाएगा ये ऐप। और दोस्तों आप इसको सीधा जाकर प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, हमारे डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं इसको। और दोस्तों इसको डाउनलोड करने के बाद आपको एक इंटरफेस देखने को मिल जाएगा जिस पे दोस्तों एकदम से आपके सामने एक कैमरा खुल जाएगा। कैमरे खोलने के बाद दोस्तों आप कोई भी रैंडम शॉट अपना ले सकते हैं, पोर्ट्रेट शॉट ले सकते हैं जो कि दोस्तों आपके सामने मैं ले रहा हूँ। और उसको लेने के बाद आपको उसको दोस्तों क्लिक करने के बाद छोटी सी दोस्तों लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद आपको दोस्तों काफ़ी ही ज़्यादा बढ़िया या पीछे आपको बोके इफेक्ट, ब्लर इफेक्ट, वाइड अपर्चर इफेक्ट आपको दोस्तों देखने को मिल जाएगा जो कि दोस्तों काफ़ी ही कमाल के तरीके से मिलता है। और दोस्तों आप यहां से ब्लर वगैरह भी एडजस्ट कर सकते हैं, आप दोस्तों यहां पे अपने बैकग्राउंड को पीछे ट्रांसपेरेंट भी कर सकते हैं, आप दोस्तों बैकग्राउंड को चेंज भी कर सकते हैं। और दोस्तों आप साइड से जाकर इसको सेव कर लीजिए, आपके फ़ोन में सीधा जाके सेव हो जाएगी। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया पिक्चर आई है मेरी उस फेबी ऐप से। तो दूसरे ऐप का जो नाम है वो है आफ्टर फोकस, यानी दोस्तों ये एडिटिंग वाला ऐप है जिसमें आप दोस्तों अपनी फ़ोटो को एडिट कर सकते हैं। और दोस्तों इसको दूसरे नंबर पे मैंने इसलिए रखा क्योंकि दोस्तों हमें इसमें फ़ोटो को एडिटिंग करनी पड़ती है, लेकिन दोस्तों जो ब्लर इफेक्ट बाद में आपकी एक बढ़िया सा जब आप आफ्टर फोकस को यूज़ कर आप क्रॉप कर लेते हैं पिक्चर को तो बैकग्राउंड काफ़ी ही ज़्यादा बढ़िया ब्लरी आपको मिल जाता है। तीसरे ऐप यानी कि मैं एक तीसरे एप्लीकेशन के बारे में बात करना चाहूँगा जिसके बाद आप बोलेंगे कि हमारी फ़ोटोज़ में तो ब्लर इफेक्ट बहुत जल्दी आ गया है। दोस्तों तीसरे ऐप का नाम है वो है स्नैपसीड, जो कि दोस्तों गूगल की ओर से आने वाला काफ़ी पॉपुलर ऐप है, दोस्तों हम बहुत सारे यूज़ भी करते हैं। दोस्तों इसमें भी हम दोस्तों एक यूज़ कर सकते हैं हमारा पोर्ट्रेट मोड, यानी दोस्तों हम पिक्चर को क्लिक तो नहीं कर सकते इसमें, लेकिन दोस्तों आप एडिट ज़रूर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें इतना ज़्यादा बढ़िया आपका ब्लर बैकग्राउंड नहीं आता है। लेकिन दोस्तों अगर आपके दोस्तों हाथ में सफाई है, अगर दोस्तों आप एज टू एज आपकी काट सकते हैं, क्रॉप कर सकते हैं पिक्चर को, दोस्तों काफ़ी ही ज़्यादा बढ़िया इसमें भी ब्लर इफेक्ट आपको मिल जाता है। सो दोस्तों ये थे आज के तीन ऐप्स जो कि दोस्तों आपको बताए कि आप कैसे अपना पोर्ट्रेट मोड, वाइड अपर्चर मोड और बोके मोड अपने फ़ोन में कैसे ऑन कर सकते हैं, वो भी दोस्तों एक सिंगल कैमरा वाले फ़ोन में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलेगा, अगर शेयर नहीं किया है, अपने लोगों तक नहीं पहुँचाया, अपने दोस्तों को नहीं बताया ये फीचर के बारे में, दोस्तों बताइए उनको भी, और दोस्तों उनको भी हमारे साथ जोड़िए और उनके कहिए कि हमारी टीम को ज्वाइन कीजिए और हमारे बन जाइए दोस्तों, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा हमारी वीडियोज़ देख देख कर। और दोस्तों अगर आप कुछ आपके मन में विचार हैं, कुछ आपके मन में कुछ बातें हैं तो दोस्तों ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों अगर आपने हमारे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जाके नीचे कर लीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, उम्मीद करता हूँ कि आपका दिन शुभ रहे।